मध्य प्रदेश के नए डिप्टी सीएम के रूप में राजेंद्र शुक्ला ने शपथ ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे जो कुछ जिम्मेदारी दी है मैं उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। समाज के हर तबके के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलूंगा। मध्य प्रदेश के नए डिप्टी सीएम के रूप में राजेंद्र शुक्ला ने शपथ ली। पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं। राजेंद्र शुक्ला का कहना है कि पार्टी ने जो कुछ जिम्मेदारी मुझे दी है मैं उसे पूर्ण तरीके से निभाऊंगा और सर्वहारा वर्ग को साथ लेकर चलूंगा, न कि केवल ब्राह्मण समाज को। मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है, उसके साथ ही डिप्टी सीएम के लिए राजेंद्र शुक्ला जी ने अपनी शपथ ग्रहण किया है। हम तो बात करते हैं, भाई साहब चार बार के मंत्री रहे, इस बार डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी है, क्या कुछ? नहीं, जो जिम्मेदारी दी गई है वो उसका निर्वहन करने में हम लोग कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। जो भरोसा जताया है पार्टी ने और जनता ने, उस भरोसा टूटने ना पाए, इसके लिए जो कुछ भी संभव है वो करेंगे। भाई साहब आज ही शपथ ग्रहण की है और आज मंत्रिमंडल की, जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, कैसे देखते हैं? नहीं, अच्छा, ये तो एक प्रक्रिया का अंग है कि शपथ होती है, फिर कैबिनेट की बैठक होती है, तो विधायक दल की भी बैठक होती है, तो ये एक प्रक्रिया है जो होती है। वैसे वैसे कहा जा रहा है कि आपको एक वर्ग को साधने के लिए मत दिया गया है। नहीं, मैं तो सर्वहारा वर्ग को साधूंगा। जैसे हमारे साथ मंत्री डिप्टी सीएम राजन शुक्ला जी जो कह रहे हैं कि मैं सर्व आरा वर्ग को साधने की कोशिश करूंगा। कैमरामैन अमन के साथ शक्ति भारती, भोपाल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।